एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्रिस्पी आलू फिंगर्स बनाने जा रही हूँ, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना और मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये आलू हैं जो कि मैंने बॉयल करके रखे हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है आलू का भरता बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ दो हरी मिर्चें कट करके रखी हैं, और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ हरा धनिया। अब बारी आती है मसालों की। 1 टेबलस्पून मेरे पास ये सॉल्ट है, 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास रेड चिली पाउडर है, 1 चुटकी भर मेरे पास हल्दी पाउडर है, और साथ ही साथ मेरे पास 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला है और 1 टेबलस्पून मेरे पास चाट मसाला है। तो चलें, ये सारे हमारे मसाले इसमें गए। अगर आपके पास लेमन अवेलेबल है तो आप इसमें 1 लेमन निचोड़ के ऐड कर सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनती है। इसको अच्छे से मिक्स करो ताकि हर चीज़ परफेक्टली मिक्स हो जाए। ये देखें, मेरा अब जो आलू का भरता है वो अच्छे से मिक्स भी हो गया है मसालों के साथ। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारा जो भरता है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसको कर देती हूँ साइड। अब चले हम इसकी स्लरी बनाते हैं। मेरे पास ये 4 टेबलस्पून मैदा है। चलें जी, ये गया मैदा। अब ये मेरे पास 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, मीन्स के कॉर्न स्टार्च। इसको अच्छे से मिक्स करो गाइस। जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ आप भी वैसे वैसे करते जाना, और समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके फिर देखो। ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/2 टेबलस्पून, और 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट टेस्ट। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और इसका मैं थिक पैटर्न बनाऊँगी। ये देखो, इसको अच्छे से मिक्स करो। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाओ, इसको मिक्स करते जाओ। इसको अच्छे से मिक्स करो। मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ या एक्सपेंसिव चीज़ ऐड नहीं की है। ये सारी की सारी ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होती हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं वैसी रेसिपीज़ बनाऊं या कोई ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिले, और साथ ही साथ अपनी रेसिपीज़ में वही चीज़ें ऐड करूं जो आपकी घर में अवेलेबल हों। इस स्लरी को ज़्यादा ही हमें पतला नहीं करना। ये देखो, इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करो। ये देखें, ये इतनी थिक होनी चाहिए। ये देख रहे हैं आप, चम्मच के ऊपर बिल्कुल कवर हो गई है। इतनी हमारी स्लरी जो है थिक होनी चाहिए ताकि इसकी जो कोटिंग है वो अच्छे से लग सके ब्रेड पर। अब मैं इसको कर देती हूँ साइड। ये ब्रेड के स्लाइस हैं दो। चलें जी, अब इसकी जो साइड्स हैं ये ब्राउन वाली, इसकी कट कर दो। ये मैंने इसकी साइड्स कट कर दी हैं। अब मेरे पास ये आलू का भरता है, ये इस पे अच्छे से कवर कर दो और सारा का सारा इसको फैला दो। अब चलें हम दूसरी पे लगाते हैं। इसको हाथों की मदद से लगाओ और फैलाओ सारी ब्रेड पे, दोनों पे अच्छे से आलू का जो भरता है वो लग गया है।
अब मैं इसकी जो साइड्स हैं, थ्री साइड्स इसकी कट कर रही हूँ। ये देखो कट हो गई। अब ये देखो इसी तरह से मैं बाकी का भी ऐसे ही करूँगी। ये देखो जैसे जैसे मैंने किया है आप भी वैसे वैसे करते जाना। ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ये मेरे पास जो मैंने ये फिंगर टाइप जो है ब्रेड कट कर दिए और इस पे आलू का बर्था भी लगा दिया है। अब मैं इसको स्लरी में मिक्स करने जा रही हूँ। ये देखो इसको ऊपर से नीचे से, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है कोटिंग, पूरी की पूरी कोटिंग लग गई। ये देखो अब मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डिप करूंगी। ये देखो ये बहुत ही ईजी है, प्यारी लग रही है। आप चाहे तो इसको फ्रीजर में रख सकते हो, एक दो दिन ये फ्रीजर में पड़ी रहेंगी तो कोई मसला नहीं। जब जब कभी भी घर में मेहमान आए तो आप इसको फ्राई कर सकती हो। बाकी सब भी ऐसे ही करना है। इसको एटलीस्ट घर पे ज़रूर ट्राई करना एक दफ़ा ही सही। ये देखें मेरे सारे के सारे आलू फिंगर्स हैं वो बन गए हैं। आप भी बिल्कुल इसी तरह से बनाना। अब चलो मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, वो ऑलमोस्ट गरम हो गया है। अब एक एक करके इसको डीप फ्राई करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक एक करके आप इसमें ऐड करते जाओ। ये देखो कितने खुश खुश लग रहे हैं और नाच रहे हैं, तो मज़ेदार लग रहे हैं। अब चलो मैं इसकी साइड चेंज करके बताती हूँ। ये देखो ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। गाइस एक दफ़ा एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करना घर पे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके ये क्रिस्पी आलू फिंगर्स कैसे बने। वाओ खुश खुश लग रहे हैं ना। ऑयल में ऐसा लग रहा है कि डांस कर रहे हैं। हल्के से ऐसे इस तरह से इसकी साइड चेंज करो। ये देखो जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक इसको फ्राई करते रहो। चलें जी अब मैं इसको प्लेट में निकालने जा रही हूँ। ये देखें और इसकी आप आवाज़ सुनना, सुनी आवाज़। ये देखें गाइस मेरे जो आलू क्रिस्पी फिंगर्स हैं ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लग रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हो। और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। चलो मैं आपको एक दिखाती हूँ और इसकी आवाज़ सुनो, क्रिस्पी और करारी एक आवाज़ आ रही है ना। अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखो अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये बहुत ही गर्म है और टेस्टी भी बना है। और अब किसका वेट कर रहे हो, जल्दी बना लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इतना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।